गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक सवाल बताऊंगा जिसमें रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक और नलिटी सब की चर्चा होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा और शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है सवाल इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग एक सवाल को यहाँ पर सॉल्व करें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वेरीफाई दैट a transformation T from R square to R cube defined by T x1 x2 is equal to x1 plus x2, x1 minus x2 and x2 is a linear transformation. Is a linear transformation. ये सवाल का पहला पार्ट हुआ। Also, find the null space, range space, rank and nullity. तो एक कॉम्पैक्ट सवाल हुआ जिसमें हर एक चीज़ टेस्टेड है, हर एक चीज़ टेस्ट किए जाने हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव सवाल की तरह दूसरे सवालों के लिए भी आवश्यक होगा, क्योंकि अगर एक सवाल को आप बढ़िया से समझ लेंगे तो आप इस प्रकार के किसी भी सवाल को बना सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कई एक सवाल में कई एक सवाल छुपे हुए हैं। पहले पार्ट में दिखाना है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन टी है जिसका परिभाषा इस तरह से दिया हुआ है और उसको आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन साबित करना है। उसके बाद ये चारों चीज़ का पता लगाना है, नल स्पेस, रेंज स्पेस, रैंक एंड नलिटी। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये सारे डेफिनेशंस दिए थे, तो आप इससे विदित हैं। तो हम लोग इसका सोल्यूशन आरंभ करें पार्ट बाय पार्ट। सोल्यूशन, पहले हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिक्विजिट्स है इसको हम लोग देख लें। ये आर स्क्वायर से आर क्यूब है, इसका मतलब डोमेन के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं और कोडोमेन के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं और मैप आर स्क्वायर से आर क्यूब में परिभाषित है। आर स्क्वायर ऑर्डर पेयर का सेट और आर क्यूब ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट और डोमेन के एलिमेंट एक्स वन एक्स टू ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे और इसके कोडोमेन में रेंज में ट्रिपलेट्स होंगे, आर क्यूब में ट्रिपलेट्स तीन एलिमेंट वाले सदस्य होंगे और परिभाषा उसकी इस तरह से दी गई है। तो हम लोग अब क्या करें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा था कि अगर x और y अगर डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स हैं तो अल्फा x प्लस बीटा y का कॉम्पोजिशन, दैट इज अल्फा x प्लस बीटा y सब्जेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेशन t, ये किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। ये हम लोगों ने शुरू में देखा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। तो अब हम लोगों का टास्क है कि डोमेन के दो एलिमेंट को चूज करना एक्स और वाई, उसके बाद इसको स्थापित करना फॉर एनी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग क्या करें, लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मतलब हुआ यहाँ ऑर्डर पेयर, तो एक्स का मतलब यहाँ एक्स वन एक्स टू हो गया एंड वाई, वाई भी वाई वन वाई टू, बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन
आर्बिट्री वेक्टर्स ऑफ द डोमेन दैट इज आर स्क्वायर. डोमेन आपका आर स्क्वायर है. टू आर्बिट्री वेक्टर्स ऑफ आर स्क्वायर. देन लिनियरिटी ऑफ टी के लिए हम लोग को क्या करना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये पहले हम लोग निकाल लें अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई. बट व्हाट इज एक्स, एक्स इज एक्स वन एक्स टू एंड व्हाट इज वाई, वाई इज वाई वन वाई टू. इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा कोऑर्डिनेट वाई सम. इट इज अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन एंड अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू. कोऑर्डिनेट वाइज को हम लोग जोड़ते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का सम और वाई कोऑर्डिनेट का सम, इस तरह से हम लोग इसको जोड़ लिए. यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सम और ये सेकंड कोऑर्डिनेट का सम, ये वेक्टर सम इसी तरह से जोड़ा जाता है, कंपोनेंट का सम. इस तरह इसके बाद हम लोग जाएंगे लीनियरिटी ऑफ टी साबित करने के लिए. तो हम लोगों का अगला खेप होगा लीनियरिटी को टेस्ट करना. लीनियरिटी ऑफ टी, सो टेस्ट ऑफ लीनियरिटी. देन व्हाट इज आवर रिक्विजिट, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, सब कुछ आपको पहले से दिया हुआ है, ये साबित करना है लीनियरिटी के लिए. टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज सेम एज अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई. अब हम लोग इसको अलग अलग वेरीफाई करने का प्रयास करें. तो ऐसा किया जाए, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, व्हाट इज अल्फा एक्स, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को हम लोगों ने इस तरह से लिखा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई. इसका वैल्यू हम लोग यहां पर रख लें, अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन, अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू. बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टी, टी एक्स वन एक्स टू ऑर्डर पेयर को, ये ऑर्डर ट्रिपलेट में इस डेफिनेशन से वो रेगुलेट कर रहा है, डिफाइन किया हुआ है. तो इसको अगर x1 मान ले टेम्पोरली, इट इज x1, इट इज x2, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे. इसका वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2, दोनों को ऐड कर दीजिए. तो x1, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, सो x1 प्लस x2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज x1 माइनस x2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दिस माइनस दिस, सो इट इज गोइंग टू बी अल्फा x1 प्लस बीटा y1 माइनस अल्फा x2 माइनस बीटा y2. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट कंपोनेंट, दैट इज x2, x2 मींस द सेकेंड कोऑर्डिनेट, सो इट इज अल्फा x2 प्लस बीटा y2. तो हम लोगों ने टी ऑपरेट किया इस एलिमेंट पर बाय दिस डेफिनेशन और हमें ये प्राप्त हो गया. अब इसमें हम लोग अल्फा के कोऑर्डिनेट्स को अलग करेंगे. यहाँ दो जगह अल्फा है, सो वी शैल सेपरेट अल्फाज फ्रॉम बीटा. इट इज एक्स वन प्लस एक्स टू एंड प्लस बीटा वाई वन प्लस वाई टू. यहाँ भी उसी तरह से अल्फा दो जगहों पर है, इसको कलेक्ट कर लें कोएफिशिएंट वाइज एंड बीटा वाई वन माइनस वाई टू. लास्टली अल्फा और बीटा सेपरेटेड है, अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, और एक ब्रैकेट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. इसको थोड़ा डीप में दिखा सकते हैं सुविधा के लिए. जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट को जोड़ के एडिशन के रूप में लिख लिया था, उसी तरह से अब रिवर्स चलेंगे. इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि अल्फा दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट हैं, अल्फा एक्स वन अल्फा एक्स टू, सो अल्फा कुड बी टेकन एज कॉमन. इसके कोऑर्डिनेट्स में अल्फा, हियर अल्फा, हियर अल्फा, तो अल्फा को हम लोग उसी तरह से रिवर्स चल सकते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू, और अल्फा फिर किसके साथ है, एक्स वन माइनस एक्स टू, फिर यहाँ अल्फा किसके साथ है, x2. सिमिलरली इट इज एडेड बाय द बीटा कंपोनेंट्स. बीटा को कोएफिशिएंट क्या क्या है, इट इज y1 प्लस y2 एंड इट इज y1 माइनस y2 एंड इट इज y2. अगर हम लोग रिवर्स सोचे कि इन दोनों
वेक्टर्स को जोड़ना है तो हम लोग कॉम्पोनेंट वाइज जोड़ते हैं, तो फिर बेशक फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सम, सेकंड कोऑर्डिनेट का सम और फिर थर्ड कोऑर्डिनेट का सम, इतना दिखाई पड़ता है। इसमें से हम लोगों ने सिर्फ अल्फा को प्लग अप किया है, दोनों से अल्फा 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 को हमने सेपरेट कर लिया है और बीटा को भी सेपरेट कर लिया है। नाउ व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, what is this, this is nothing, this is nothing but tx1 x2, so it is alpha tx1 x2, it is the image of x1 x2, nothing else, and it is also likewise the image of y1 y2. dekh rahe hain ki tx1 x2, tx1 x2 is equal to alpha, what is x1 x2, that is x, and what is y1 y2, that is y. तो क्या लिनियरिटी साबित हो चुका है, जो आपको लाना था ये शायद आ चुका है। We have arrived at the conclusion that t times t operated on alpha x plus beta y is the same as alpha tx plus beta ty. It implies जब ये satisfy हो गया t alpha x plus beta y is equal to alpha tx plus beta ty, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, this implies that t is a linear transformation. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो मानक थे, जो परिभाषा थी, इस पर आप खरा उतरे हैं और ये वेरीफाई हो गया कि टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। शायद ये किसी भी सवाल को बनाने के लिए ये आपके पास सफिशियंट स्टफ होगा, आप इस तरह से सोचेंगे और टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए फाइट करेंगे, हम लोग को नेक्स्ट निकालना है नल स्पेस। तो द सेकेंड पार्ट इज कंसर्निंग नल स्पेस। नल स्पेस का मतलब इसका कर्नल निकालना है, नल स्पेस दैट इज NT। अब हम लोग NT निकालने के लिए सोचेंगे, नल स्पेस ऑफ T इसको कैसे निकाला जाएगा ये हम लोग देखें। स्टूडेंट्स, नल स्पेस आपको बताया गया था, नल स्पेस दैट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आर स्क्वायर व्हिच आर मैप्ड टू जीरो एलिमेंट ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन दोबारा भी लिख सकते हैं, हियर एन टी दैट इज नल स्पेस एन टी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स वन एक्स टू सच दैट T x1 x2 is zero. Zero means it is the zero vector of R cube. इसका इमेज जीरो हो जाए, जीरो का मतलब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है R3 का, दैट इज जीरो 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 ऑर्डर ट्रिपलेट, दैट इज द जीरो वेक्टर इन R cube. तो हम लोगों को इसका एक समेकित सॉल्यूशन निकालना है, टी एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना है। बट व्हाट इज टी एक्स वन एक्स टू, टी एक्स वन एक्स टू का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे प्रॉब्लम में, वहाँ पर डिफाइंड है, इट इज एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू एंड एक्स टू, ये एक टी एक्स वन एक्स टू का डेफिनेशन था। दिस इज इसको इक्वेट किससे करना है, जीरो वेक्टर ऑफ आर क्यूब। बट व्हाट इज जीरो वेक्टर ऑफ आर क्यूब, दैट इज जीरो जीरो जीरो। ये दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब वो कंपोनेंट वाइज इक्वल हो, इट इज एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियसली, एक तो सॉल्यूशन इमीडिएट दिख रहा है कि x2 इज इक्वल टू जीरो, और x2 इज इक्वल टू जीरो डालने पर x1 बराबर भी जीरो हो जाएगा, तो इसका इमीडिएट सॉल्यूशन हो गया x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू जीरो। और ये सॉल्यूशन तीनों को मंजूर है, सो दे आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड टू यील्ड ओनली द जीरो सॉल्यूशन।
तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन निकला, जीरो सॉल्यूशन निकला। इसका मतलब एनटी में सिर्फ जीरो वेक्टर ही है, और एनटी का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल एक्स वन एक्स टू, लेकिन एक्स वन एक्स टू क्या हो गया, जीरो वेक्टर। तो एनटी, एनटी में आपके पास कौन से एलिमेंट आ गए, ओनली एक्स वन एक्स टू, दैट इज ओनली जीरो जीरो। इसका मतलब जो हम लोगों ने थ्योरी में थोड़ा बहुत समझा था कि यहाँ पर एकमात्र जीरो वेक्टर ही है, जीरो जीरो है, और उसका इमेज जीरो 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 है। इसका मतलब इसका सॉलिटरी वैल्यू एकमात्र जीरो वेक्टर ही यहाँ पर कैरी कर रहा है जीरो वेक्टर को। इसका मतलब नल स्पेस में इसमें सिर्फ एकमात्र एलिमेंट है। सो देयर इज नो एनी अदर अपार्ट फ्रॉम जीरो जीरो व्हिच इज कनेक्टेड टू द जीरो वेक्टर ऑफ आर क्यूब। एकमात्र नल स्पेस में जीरो वेक्टर है। तो हम लोगों ने नल स्पेस भी निकाल लिया, व्हाट इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नलिटी की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, यहाँ पर म्यूटी, नलिटी किसको कहते हैं, हम लोगों ने डिफाइन किया था, नलिटी इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। नलिटी इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। Nullity of T, that is new T, that is new T, new T किसको डिफाइन किया गया था, आप शायद रिकॉल करेंगे, इट इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। तो डायमेंशन किसको कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट। और अब पढ़े हैं पहले कि बेसिस सेट कभी जीरो वेक्टर को कंटेन नहीं करता है, अर्थात बेसिस में कभी कोई जीरो एलिमेंट नहीं आता है। एनटी में सिर्फ और सिर्फ अगर जीरो एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इट्स डायमेंशन इज जीरो, इसके कोई डायमेंशन नहीं है, इट्स डायमेंशन इज जीरो। अगर नॉन जीरो यहाँ पर कोई वेक्टर आता तो उसके डायमेंशन वन हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो ट्रिवियली जीरो है, और जीरो एलिमेंट डज नॉट फाइंड प्लेस इन द बेसिस। और नलिटी कह रहा है इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, दैट इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो इसका डायमेंशन इसका जीरो हो जाएगा, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द डायमेंशन। By definition, it is the dimension of NT, which is nothing but zero. ये हमेशा याद रखेंगे कि NT में अगर सिर्फ zero vector आ गया तो उसका dimension zero लिखेंगे। अगर यहाँ कोई भी अगर नॉन जीरो वेक्टर आ जाता तो डायमेंशन इसका वन हो जाता। इसमें अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स आ जाएंगे तो उसके डायमेंशन दो हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर इसमें एक भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं आया तो इसके डायमेंशन को सर्वदा हम लोग जीरो लिखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास नलिटी है तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिक्र किया था रैंक नलिटी थ्योरम, तो रैंक भी निकल जाएगा, चूंकि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन। तो डायमेंशन हमारे पास दो है, इसके डायमेंशन दो हैं, तो चूंकि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन होता है, तो अगर नलिटी के बारे में ज्ञान है कि नलिटी इज जीरो और इसका डायमेंशन दो है, तो निश्चित रूप से रैंक ऑफ टी बराबर भी दो हो जाएगा। रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन, और डोमेन का डायमेंशन है यानी डोमेन वेक्टर स्पेस का डायमेंशन दो है, तो इसका भी रैंक पता चल गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रैंक, अगर नलिटी पता चल जाएगा तो इमीडिएटली रैंक भी पता चल जाएगा, और बहुत क्विकली आप आंसर जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लिटिल डिटेल में जाना पसंद करेंगे, और पहले रेंज स्पेस निकाल लें, चूँकि और सारे सवालों को बनाने के लिए रेंज स्पेस कैसे निकलता है ये जानना जरूरी होगा। तो हम लोग का सवाल का अगला पार्ट होगा हाउ टू फाइंड द रेंज स्पेस। रेंज स्पेस निकालेंगे और उससे फिर हम लोग रैंक निकाल लेंगे रेंज स्पेस, अर्थात रेंज निकालेंगे। तो
लेट y belongs to RT. Range space of T. Range space of T में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? That is T x1, x2. x1, x2 टाइप के एलिमेंट आएंगे, यानी यहाँ का x एलिमेंट that is x1, x2 सपोज मैप हो रहा है y पर. इसका मतलब y का प्री इमेज हुआ x1, x2 and T x1, x2 is equal to y. अब हम लोग वेक्टर स्पेस में स्टैंडर्ड बेसिस यानी कैनोनिकल बेसिस के बारे में ज्ञान है हमारे पास. व्हाट इज स्टैंडर्ड बेसिस? इसको हम लोग बेसिस के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस के रूप में. बट व्हाट इज एक्स वन एक्स टू? बट एक्स वन एक्स टू माइंड, एक्स वन एक्स टू को आप कैसे लिख सकते हैं? दैट इज एक्स वन वन जीरो प्लस एक्स टू जीरो वन. क्या ऐसा लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट वाइज जोड़ लेंगे. अगर कोऑर्डिनेट वाइज जोड़ लेंगे इट इज एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू जीरो दैट इज एक्स वन एंड एक्स वन इंटू जीरो दैट इज जीरो प्लस एक्स टू इंटू वन एक्स टू. दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्स वन और यहाँ से एक्स टू बचेगा. एक्स वन एक्स टू को लिखने का ये स्टैंडर्ड बेसिस के माध्यम से हम लोग आसानी से एक्सप्रेस कर देंगे. तो हम लोग x1 x2 का अब इमेज लेना चाहते हैं रेंज स्पेस के लिए, क्योंकि रेंज स्पेस के लिए हम लोग को y फाइंड करना है एंड दैट इज y बिलोंग्स टू RT और उसके हिसाब से हम लोगों को रेंज स्पेस निकलेगा. अब हम लोगों को क्या चाहिए? tx1 x2. स्टैंडर्ड बेसिस को स्टूडेंट्स कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? इसको हम लोग e1 भी लिखते हैं और इसको हम लोग तत्काल e2 भी लिख सकते हैं. तो t x1 x2, t x1 x2 is nothing but t x1 e1 plus x2 e2. t is a linear transformation by the linearity of t x1 t e1 plus x2 t e2. But what is e1? It is nothing but 1 0 and x2 t 0 1. Now we have the relation defined by t x1 x2. It was nothing but x1 plus x2, x1 minus x2 and x2. Remember the definition defined, definition over here, whatever was defined. Here nothing, x1 is 1 and x2 is 0. So x1 plus x2 can be easily taken out, 1 plus 0 that is 1 and 1 minus 0 that is 1 and x2, x2 is 0, x2 is 0 plus x2. Here is x1 and x2 like this, x1 plus x2 is again 1 and x1 minus x2 is minus 1 and x2 is 1. So we have found this relationship. Now, y belongs to RT and y is, that was t x1 x2 and now it is emerging as x1 1 1 naught plus x2 1 minus 1 1. It implies that this vector spans RT. This implies this 1 1 naught plus x2 1 minus 1 1 spans RT. So what conclusion can we draw? We can conclude that RT is this range space that is RT is equal to x1 1 1 naught plus x2 1 minus 1 1. Can we further check that this set is linearly independent? So it forms a basis. We can easily check that they are linearly independent, so it forms a basis, and hence the dimension of RT is 2 because they are linearly independent. We can check easily, suppose A times 1 1 naught plus b times 1 minus 1 is equal to 0.
ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो बाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. So A is equal to 0 and B is equal to 0. So the coefficients are 0. So it is linearly independent set. It implies these twin vectors form a basis for RT. Then dimension of RT is these two vectors, number of elements in the basis set. Further, here we write, further 1, 1, 0 and 1 minus 1, 1 forms a basis of RT. And number of elements in the basis is dimension. There are two elements in the basis, so dimension of RT is 2. So ultimately dimension of RT is what? Dimension of RT is called rank. So rank of T, that is what we got so far, that rank of T is 2, nullity of T was 0, and RT is over here, range space of T is given by, range of T was given by this expression. So everything we got in our solution. So students, rank, that is rank and nullity, it was rank of T was 2 and nullity of T was 0, and total dimension rank plus nullity was dimension of the domain, that is domain vector space, that was actually 2. So we actually verified in this process. So ultimately we saw how to solve such problems, and in this respect it is worth to mention that these problems are asked in a theoretical problem as well as objective problem. So we dealt this problem and few more you could solve yourself. I think the basis will be the same. Thank you for watching the video.